और वो रहा मंदिर सिद्धखोल का एंट्री गेट, और यहाँ से हमें आगे जाना पड़ता है सिद्धखोल के लिए। इस साइड है वाटरफॉल, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ मैं अपने एक और नए वीडियो में आपका। मैं जा रहा हूँ सिद्धखोल वाटरफॉल और मैं आपको वो आपका पूरा नजारा दिखाने वाला हूँ। यहाँ सुंदर वाटरफॉल है और ये पूरा पहाड़ी पेड़ों से घिरा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और ये झरना कॉरिडोर से 10 किलोमीटर और बाजार से 40 किलोमीटर की दूरी में ये वाटरफॉल है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो गाइस रास्ते की बात करूँ तो कॉरिडोर और ये रास्ता जाता है पिथौरा की साइड और हमें इस साइड जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा है सिद्धखोल जलप्रपात आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए चलते हैं सिद्धखोल वाटरफॉल और देखते हैं वहाँ का आनंद लेते हैं खूबसूरत नज़ारे का। तो ये है सिद्धखोल का एंट्री गेट और यहाँ से हमें आगे जाना पड़ता है सिद्धखोल के लिए। और यहाँ पर आपको पर्ची कटता है, यहाँ पर है बाइक का 10 रुपया और कार के लिए 20 रुपये देना पड़ता है और हमने ये पर्ची कटवा ली है। चलिए चलते हैं सिद्धखोल की तरफ और हमारी बाइक है रेडी, चलिए चलते हैं सिद्धखोल दिखाते हैं आपको पहुँच कर। है गाइस तो फाइनली हम पहुँच गए वाटरफॉल और आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा। गाइस यहाँ पर हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है वहाँ पर और यह पूरा स्पेस देख सकते हैं। यह है कार पार्किंग, आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पर 2-व्हीलर 4-व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं। और इस साइड जाता है वॉच टावर की ओर, वहाँ का वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है। तो चलिए आप वाटरफॉल की तरफ ले चलते हैं। इस साइड है वाटरफॉल तो आपको नीचे भी चल के दिखाएंगे वाटरफॉल। और यहाँ जाते हैं घूमने आते हैं तो सावधान रहिए। तो गाइस इस साइड से आ रहा है पानी और ये इस साइड जाकर झरना बना रहा है, देखिए। और इसकी 40 फीट ऊपर से ये गिर रहा है झरना, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अब नीचे चलकर खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं, नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से पेड़ों से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मनमोहक दृश्य है, बहुत खूबसूरत। चलिए आपको नीचे चल के दिखाते हैं नीचे का वाटरफॉल का नज़ारा। और नीचे जाने का रास्ता इस साइड से है, हम इस साइड से भी नीचे जाना है, आपको पूरा दिखाता हूँ वीडियो। गाइस हम इस साइड से आए थे और हमें इस साइड जाना है। और अब जैसे नीचे जाने के लिए जाएंगे यहाँ पर आपको मंदिर दिख जाएगा, सिद्ध बाबा का छोटा सा मंदिर। इसी कारण यहाँ इस जगह का नाम सिद्धखोल पड़ा है, वहाँ है सिद्ध बाबा का मंदिर छोटा सा और सामने है भोलेनाथ महाराज। तो चलिए नीचे लेकर चलते हैं। तो गाइस फाइनली आपका भाई पहुँच चुका है वाटरफॉल के नीचे, तो अभी मैं आपको नज़दीक भी जाकर दिखाऊंगा। तो गाइस म्यूजिक के साथ सिनेमैटिक का आनंद लीजिए।
में पहुंच गया वाटरफॉल के नीचे। देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है और ये बरसात में और ज़्यादा खूबसूरत और भयंकर नज़र आता है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आप वो इतना पास में आप नहीं रह सकते, बरसात के समय में पानी की छींटे आती है यहाँ तक, और ये पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ आप आकर पिकनिक मना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आपको बैक कैमरे में दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और गाइस ये है देखिए वाटरफॉल, सिद्धखोल वाटरफॉल, सिद्धखोल जलप्रपात, बहुत खूबसूरत। अभी सिर से ही पानी गिर रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा पानी पानी होता है यहाँ पर देखिए, और ये पूरा भरा होता है बरसात के टाइम, और यहाँ बरसात के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। अभी तो भीड़ कम है, और ये मेरे दो दोस्त हैं और ये ब्लॉग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ 12 महीना एनी टाइम आ सकते हैं यहाँ पर, आपको हर समय आप आ सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, आपको हर समय यहाँ पर अलग रूप देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ वाटरफॉल का नज़ारा, चलिए आपको और पास लेकर चलते हैं, वहाँ लेकर चलते हैं। गाइस तो मैंने आपको दिखाया अभी उद्धवपाल वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत है, मेरे पीछे देख सकते हैं वाटरफॉल, मैं इसके नीचे में खड़ा हूँ, यहाँ की पूरा छींटें आ रही हैं पानी की, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और गर्मी उमस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर नहा सकते हैं, पिकनिक स्पॉट है ये, पिकनिक मना सकते हैं, फैमिली का जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा आपने देखा है, सिनेमैटिक में देखा है, खूबसूरत लगा मेरे को। और आप यहाँ पर आ सकते हैं, मैंने एक वीडियो और बनाया था 1.5 साल पहले, तो आप यहाँ बरसात के मौसम में रखते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, इससे और ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसे मेरे और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।